जो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ करने जा रहे हैं वो है 72 × 28 जो कि लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, विच इज़ इक्वल्स टू 36 × 4 × यहाँ पर हमें बताना है कि इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सबसे पहले बात ये हमें समझनी चाहिए कि ये जो 72 × 28 है दिस इज़ इक्वल्स टू 36 × 4 यहाँ दिया गया है और फिर इसके इक्वल्स में एक नंबर है जो हमें पता करना है। तो यहाँ आप ये कर सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड के नंबर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करते हैं कि देखिए अगर करते हैं जैसे कि 36 × 1 = 36, 36 × 2 = 72 और फिर 4 × 1 = 4 और 4 × 7 = 28। अब राइट हैंड साइड में तो 1 × 1 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2 × 7, तो ये जो 2 × 7 14 होगा वो आएगा यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में। अब ये हमारा आंसर है, बट इस यहाँ पर ऑप्शंस किस तरह दिए गए हैं हम वो पढ़ते हैं कि ये 14 नंबर किस तरह का है, मल्टीपल ऑफ 7 है। जी हाँ, ये 7 का मल्टीपल है। क्या ये एक प्राइम नंबर है? जी नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन है एन इवन नंबर, जी हाँ ये एक इवन नंबर है। फोर्थ ऑप्शन है लेस देन 10, क्या ये 10 से छोटा है? जी नहीं, दिस नंबर इज़ बिगर देन 10। द लास्ट ऑप्शन इज़ दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ 56, यस दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ 56। सो द ऑप्शंस ए सी एंड ई आर करेक्ट। तो हम यहाँ चार ऑप्शंस में देखेंगे जिसमें ए सी ई सेकेंड ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है दिए हुए एक्सप्रेशन को। इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर 1 में ज़रूर आएगा और कभी हो सकता है पेपर 2 में भी सिंप्लीफिकेशन में इस तरह का क्वेश्चन आए। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होता है? तो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास का रूल हम अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास में ये होता है कि आप सबसे पहले बार है क्या चेक करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं ब्रैकेट्स दिए गए हैं। अगर ब्रैकेट्स दिए गए हैं तो इस तरह की ब्रैकेट पहले सॉल्व की जाएगी, उसके बाद इस तरह की जाएगी और लास्ट में इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट आप करते हैं यहाँ पर डिवीजन, उसके बाद आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप करते हैं एडिशन और एडिशन के बाद आप करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है इसका सॉल्व करने का सीक्वेंस, ये होती है। जब ये डिवाइड कर देंगे आप तो यहाँ हो जाएगा -3, इससे पहले है यहाँ पर 3 5 होता है 15 कैरी ओवर 1, 3 7 होता है 21 और 1 होता है 22 कैरी ओवर 2, 3 1 3 और 2 होता है 5। पॉइंट आएगा 1 नंबर के बाद तो यहाँ पर 52.5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 12.5 को, सो माइनस विल बी देयर। 3 5 15 कैरी ओवर 1, 3 2 6 और 1 होता है 7 और 3 1 3। पॉइंट यहाँ डेसिमल आएगा 1 नंबर के बाद। 52.5 और 37.5, 0.5 यहाँ माइनस हो जाएगा। अब रहा 52 में से 3 माइनस हो गए तो यहाँ रह जाएंगे 49, 49 में से अगर 37 माइनस होंगे तो आंसर आएगा हमारा 12, जो कि है यहाँ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। यहाँ पर आपको पहचानना है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उतरती हुई तरतीब, जो बड़ा नंबर होगा वो पहले आएगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो लास्ट में आएगा। तो यहाँ हम देखें अगर चार ऑप्शंस, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में 3.05 है, सेकंड ऑप्शन में 30.5 है। तो ये 3.05 से अगर हम देखें तो इसी लाइन के अंदर, इसी रो के अंदर 30.5 आगे दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 30, ठीक है, उसके बाद 3.50, उसके बाद 3.055, उसके बाद 3.05। अब यहाँ 055 हो और 3.05 हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये 05 के बाद आप 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो 55 से छोटा 50 होगा और इससे पहले 0 है, 0 है, फिर उसके बाद 3.005 और लास्ट में है हमारे पास 0.355। तो ये जो सीक्वेंस हमें नज़र आ रही है
ये डिसेंडिंग ऑर्डर की परफेक्ट सीक्वेंस हमें नज़र आ रही है। थर्ड ऑप्शन हम फिर भी देख लेते हैं, 30.5 के बाद 3.50 है, उसके बाद है 3.05, फिर है 3.055। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 0.5 के बाद 0 अगर हम कंसिडर करें तो ये 50 होगा और उसके बाद 55 होगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर है। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें 30.5 है, फिर उसके बाद 3.05 है और उसके बाद 3.055 है। यहाँ भी वही बात है कि यहाँ अगर 50 होकर हम कंसिडर करें तो उसके बाद 55 नहीं आएगा। दैट्स वाई फोर्थ एंड थर्ड ऑप्शंस आर रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ब्रैकेट में दिया गया है 11011, ब्रैकेट का बेस 2 है और यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट में यहाँ पर बेस 10 है, यानी कि यहाँ पर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो आप जब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह करेंगे, देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है और ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है 11011, तो हम ये जो 2 दिया गया है 2 को कंसिडर करते हैं, 2 का पावर 0 सबसे पहले, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, कितने नंबर संग ब्रैकेट में दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 2 का पावर 4। अब हम इनके आंसर्स लिख लेंगे, 2 का पावर 0 होता है 1, 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8 और 2 का पावर 4 होता है 16। बट हमें यहाँ पर एक नंबर नहीं लेना जहाँ पर 0 है, वो मिडल टर्म है, तो 2 का पावर 2 जो है इसकी वैल्यू हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब बाकी बचे नंबर्स 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका ये आप डेसिमल के ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 16 प्लस 8 होते हैं 24, 24 प्लस 2 होता है 26, प्लस 1 होता है 27। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। तो एक स्क्वायर है जिसको 4 इक्वल स्क्वायर्स में कट किया गया है और ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका साइड है 4 सेंटीमीटर का। जब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो इसका एक एक साइड हो जाएगा 2 2 2 2 2 2, यानी कि ये जो छोटे स्क्वायर्स का साइड है ये 2 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। तो इस हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, तो साइड क्या है हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल स्क्वायर का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज़ फॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगल, इफ़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स लेंथ। तो देखिए एक वायर है, ठीक है, उसकी पूरी लंबान है 180 सेंटीमीटर, इससे हमको क्या बनाना है, एक इस रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया गया है जिसकी विड्थ यहाँ दी गई है, इसकी विड्थ यहाँ दी गई है जो कि है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर विड्थ 30 सेंटीमीटर है तो अपोजिट साइड विल बी आल्सो 30 सेंटीमीटर, तो 180 में से ये 30, ये 30 चला गया तो बचा 120, ठीक है, 120 में ये 60 होगा और ये 60 होगा, जो लेंथ होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। व्हाट इज़ इट्स लेंथ, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ, विच इज़ इक्वल्स टू, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ। तो यहाँ पर पेरीमीटर होता है 180 जो दिया गया है आपको। अब यहाँ पर आप 2 से अगर 180 को डिवाइड कर दें तो लेंथ प्लस ब्रिथ हो जाएगा 90 और आपको यहाँ पर दी गई है ब्रिथ जो कि है 30, लेंथ प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90, दैट्स वाई 30 अगर राइट हैंड साइड चला जाए तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 60। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं।
लेंथ इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो ये दोनों वेज से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने CTET के पूछे गए क्वेश्चंस में से सीखा। दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बिफोर, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसे आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, प्रैक्टिस कीजिए और आगे भी वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको CTET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कुछ सीखने मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।